निषाद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह कश्यप का बयान सभा में भाषण के दौरान कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन से लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी हो चुकी है अब निराश, अब दोनों पार्टियों अब नहीं कहीं टिकती, उधर हमारी समस्याओं का समाधान करेंगी भाजपा सरकार। बागपत खेकड़ा सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचे थे पूर्ण सिंह कश्यप। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम पूर्ण सिंह कश्यप है और निषाद पार्टी का मेरा अध्यक्ष। बागपत आओ, क्या प्रोग्राम है? बागपत में जो है हमारी पहली जनसभा है, चुनाव जनसभा। हम उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें हर सीट पर जाकर के हमें अपने हाथ अपने लोगों का हाथ मजबूत करना है और कुछ जगाना है जिससे कि हम अपनी सीटों को जीत करके मतलब तक जा सकें। आपकी मांगे हैं, जो मांगों के लिए आज ये प्रोग्राम किया, क्या मांगे हैं? किस हमारी मांगे जो अनुसूचित जाति की मांगे थी, जो 17 हमारी जातियाँ हैं, जो पांच नाम से हम पहले से अनुसूचित जाति के अंदर हैं, हम SC की जो मांग कर रहे हैं पहले से हम SC में हैं, लेकिन उनके जो 17 नाम हैं जो उनको परिभाषित कराने की हमारी मांग चल रही है, जिसकी लगभग कार्रवाई पूरी हो चुकी है और जल्द उनकी घोषणा हो जाएगी। आपके ही समाज के एक समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री रहे हैं सुधाकर कश्यप जी, उनका कहना है कि अब ये भाजपा सरकार से परेशान हो चुके हैं और आने वाली कुछ ही तारीख में मुख्यमंत्री में है जो अखिलेश यादव जी बुढ़ाना आ रहे हैं और वे सबको समर्थन दे रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, सब अपने पार्टी अपने हिसाब से काम करती है। हमारा जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और जो सपा पार्टी है वो निराश हो चुकी है, आज वो किसी ने टिकती नहीं है। हमारी जब समस्या थी, मुलायम सिंह यादव गृह मंत्री थे तब उन्होंने हमारी समस्या अटकाई थी और वो जब मुद्दे का ठटकाते आ रहे थे, मायावती ने अटकाई थी, लेकिन BJP आज प्रदेश में